my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो आज मैं बहुत दिन बाद जाके वीडियो बना रहा हूँ. ओके ओके, वेट, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ. वेट, मैं कथा बोलछि. राइट, ओके, कैन यू स्टॉप इट. सॉरी गाइस, मुझे उसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ा बिकॉज और एल्स वो मुझे वीडियो करने देते ही नहीं. सो या, वेलकम बैक टू माई चैनल. बहुत दिन बाद जाके फिर वीडियो बना रहा हूँ. मैं बीच में सोच रहा था मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, बट इट्स ऑनेस्टली सो डिफिकल्ट. यूके पे रहने के बाद मुझे 5 साल में यही सीखने को मिला, लाइक यू हैव लाइक इट्स सो डिफिकल्ट. मैं आपको कैसे समझाऊँ. मैं वही एक्सपीरियंस इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूं जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो लोग कैसे, मतलब वो लोग का इमेजिनेशन और प्रैक्टिकल लाइफ कैसा होता है. तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ जो होता है वो दिखा रहा हूँ, वो दिखाने का कोशिश करूँगा. यू डी स्टॉप स्टिल है, वो दिखाने का मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग कैसे यहाँ पे लाइफ स्टाइल लीड करते हैं. इस बीच में मैं कैसे खुद को मेंटेन रखता हूँ, जिम जाता हूँ काम के बीच में. ऑल्दो मैं अपना काम रिसेंटली छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मुझे यूट्यूब में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है. इट्स नॉट गोइंग वेल सो फार, आई एम नॉट गोना लाई. अभी तक सही कुछ नहीं जा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं और वीडियो, मतलब वीडियो स्टार्ट करूँ अपलोड करना, एंड जितने जल्दी हो सके आप लोग तक ये वीडियोज़ रीच हो, एंड आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं somehow कुछ गुड रिस्पॉन्स देख के मुझे एटलीस्ट मोटिवेट करे ताकि मैं और भी अपलोड करूँ. एंड यू नो और भी दूसरे कंटेंट, लाइक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए, ऐसे कैसे वीडियो आप देखना चाहते हो. मैं यूके पे रहता हूँ तो आपको मैं और क्या क्या दिखा सकता हूँ. लाइक ऑब्वियसली ट्रैवलिंग विल बी देयर, फिटनेस विल बी देयर, जिम, मैं कुछ जिम दिखाऊंगा क्योंकि मेरे डैड बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, डेली लाइफ. तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि मैं कुछ जिम्स में जो विजिट करूँगा एंड आपको दिखाऊँगा कि यूके का जिम कैसा होता है. सबसे पहले दिन का, व्हेनेवर यू वेक अप, बेस्ट हैबिट ऑफ हैविंग लेमन वाटर हॉट. ओके, गर्म पानी पे लेमन वाटर बिना ब्रश करने से पहले या कुछ भी खाने के पहले लेमन वाटर इज रियली गुड, बहुत अच्छा है वो. ये ट्राई करना, ठीक है. इतना सा पीस काटना, काट के फिर We'll never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. So before gym, main 3 se 4 anda khata hu. Obviously 2 yolk and do without yolk. So yeah, that is my normal thing. Ye wala bahut beneficial hai yahan pe. Like it's just a spray and you just like spray karo. Come to my Oh yeah, ready. जिम के पहले ही फ्लेक्स हो रहा है इतना, जिम के बाद क्या होगा. देख आज इधर ट्राइसेप मारूंगा और लेग, बट लेग
सो गाइस अभी जो आप वीडियो देख रहे हो आप, इसके पहले जो देखा था वो 2 वीक्स पहले का था और अभी ये 2 वीक्स बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये है हम लोग का हालत यूके पे। उस दिन मैं वीडियो बनाने का कोशिश किया तो मैं ऑब्वियसली मैं कर रहा था वीडियो, तो मेरा कुछ अर्जेंट फिर काम आ गया उस दिन। सो मुझे उधर ही वीडियो स्टॉप करना पड़ा एंड मेरा तबीयत भी फिर ख़राब हो गया फिर से। मेरा लास्ट वीडियो पे मैंने ये मेंशन किया था वो सफारी वाला पार्क पे वाला वीडियो पे मैं कि मेरा वर्टिगो हुआ है एंड वो मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, मेरा डिजीनेस मेरे को वीक फील कर रहा है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आप देख भी सकते हो लाइक उस टाइम, ये पहले वीडियो देखोगे आप तो उसमें मसल वगैरह अच्छा दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें मैं 2 वीक्स से मैं जिम नहीं गया ठीक तरह से, सिर्फ 2 दिन आई थिंक 2 मैक्सिमम 2 दिन गया हूँ मैं। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे फिलहाल, मैं फेस कर रहा हूँ बट मैं कोशिश तब भी कर रहा हूँ जितना हो सके मेरा लाइफस्टाइल जो है या यूके का भी लाइफस्टाइल जो है वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये कमिटमेंट दे चुका हूँ, मैं काम छोड़ चुका हूँ तो मुझे ये करना पड़ेगा ठीक है ना, मुझे ये दिखाना पड़ेगा, मुझे किसी भी हालत पे ये वर्कआउट करना है। सो मैं जस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो, मैं इसीलिए ये चीज़ मैं ये मेंशन नहीं करता बट ऑब्वियसली बहुत कोई मेरा फेस देखेगा, मैं शेव्ड किया हूँ और अलग भी दिख रहा हूँ कंपेयर टू प्रीवियस वीडियो, तो इसीलिए मुझे मेंशन करना पड़ा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्विकली डॉक्टर के पास क्योंकि मेरा ब्लड, मैंने ब्लड टेस्ट कुछ किया था ताकि चेक करने के लिए कुछ और कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, तो वो मैं कलेक्ट करके फिर मैं जिम पे जाऊंगा। सो I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. रिकॉर्ड फिलहाल मिल चुका है बट समझ मुझे फिलहाल तो ठीक ही लगा सब कुछ। ये है मेरा जिम, यहाँ पे बारकोड से ऐसे स्कैन करना पड़ता है ठीक है ना, तो ये मेरा फोन है ऐसे करके जनरेट करते हैं बारकोड, फिर इधर स्कैन करने का, इधर घुसने का, ये नॉर्मली हर एक जगह पे ऐसा ही सिस्टम है। तो यस, इस जिम पे नॉर्मली मैं आता हूँ, दिस इज़ द जिम, ऊपर भी इधर है, ऊपर कार्डियो सेक्शन ज़्यादा है एंड यहाँ पे जितना सारा है ये सब नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली मेन मशीन्स वगैरह सब यहाँ पे है। तो अभी मैं चेंजिंग रूम पे हूँ तो पीछे का तो दिखा नहीं सकता बट लॉकर रूम पे मैं अपना चीज़ें वगैरह डालूँगा अभी, तो गिव मी 1 सेकंड। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा झूलने का, मुझे झूलने का बहुत मज़ा आता है तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। बाय द वे मैं प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट यही दिखा रहा हूँ कि यहाँ का जिम कैसा होता है, हम लोग कैसे आके यहाँ सब क्या क्या करते हैं, जितना मेरे से होगा मैं बताऊँगा कि कौन सा मशीन क्या करता है क्या नहीं करता, बट मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं मुझे और भी बहुत सारा मैं खुद एक अभी भी बहुत सारा चीज़ सीख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं ठीक है। सो यार Stay tuned. वीडियोज़ तो सब मुझे अकेला ही बनाना पड़ता है, तो अगर एंगल वगैरह थोड़ा इधर से उधर है तो प्लीज़ डोंट माइंड ओके। नॉर्मली तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ एवरी डे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आज मैं ऑलमोस्ट सभी कुछ करूँगा ताकि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ कि कौन सा मशीन यहाँ पे क्या कैसा कैसा टाइप का मशीन है। तो पहले मैं शोल्डर से करूँगा क्योंकि कल मैंने चेस्ट कर चुका है और मैं बाइसेप भी थोड़ा बहुत किया कर, तो आज मैं शोल्डर से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शोल्डर करूँगा। उसके बाद प्रोबेबली लेग्स दिखाऊँगा कुछ, एंड लास्ट में थोड़ा सा चेस्ट एंड बाइसेप का दिखा दूँगा, ठीक है। जब भी मैं जिम पे आता हूँ ना, मेरा शोल्डर मेरा बेस्ट फीचर्स है। लाइक मैं कुछ भी करता हूँ ना, शोल्डर मेरा बहुत ज़्यादा पंप होता है। सो आई एम रियली रियली लकी इन दैट वे, क्योंकि वो शोल्डर ही है ना जो आपका पूरा फीचर्स लुक्स नाइस, वो आपको अच्छा देखने में लगता है। तो लेट्स जंप ऑन लेग, क्योंकि मैं बहुत दिन से लेग नहीं किया हूँ, तो लेग का कुछ दिखाऊंगा मैं। तो मैं इन डिटेल कुछ नहीं दिखाने वाला, मैं जैसे बोला हूँ, मैं जैसे ऐसे इन्जॉय करने के लिए दिखाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। सो ताकि आपको पता चले कि यूके का जिम कैसा देखने में होता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो या, सो ये है लेग एक्सटेंशन का है, ये सबको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए जो लोग लेग्स करते हैं। सो बहुत दिन बात कर रहा हूँ यार, एक एक करके करता हूँ, है ना, एक एक करके करता हूँ। तेरी माँ की यार, 10 kg भी अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा है साला, इतना दिन के बाद कर रहा हूँ बोल के। फक मैन, साला 10 kg भी अभी भारी पड़ रहा है। चल दूसरा वाला, एंचोद, आई आई आई, इसीलिए साल में एक बार करता हूँ लेग डे, मजाक कर रहा हूँ यार, करता हूँ एवरी वीक में एक बार तो करता हूँ, बट अभी हालत ऐसा है ना, लेग डे छोड़ो, चेस्ट डे भी नहीं हो रहा है मेरे से। बट चलो यार, मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं ये ब्लॉग कंप्लीट कर पा रहा हूँ एंड तुम लोग को दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यही ब्लॉग मुझे बनाने में 2 सप्ताह लग गया यार। आना है यूके, आना है, आ जाओ यूके। सॉरी गाइस, मुझे ऐसे बात करना पड़ रहा है क्योंकि मैं बार बार एंगल हिला नहीं सकता, और ये एंगल बेस्ट है ये शूट करने के लिए, लाइक टू शो द इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट दिखाने के लिए मुझे यही एंगल पकड़ कर रखना पड़ेगा, और मैं जिम करते वक्त मैं एंगल चेंज नहीं कर सकता, तो मैं यही एंगल पर बात कर रहा हूँ। ये है इसे कहते हैं हिप हॉप, इसे कहते हैं स्टैंडिंग लेग कर्ल, ठीक है। ये आपका ये जो है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे हिट करता है, तो ये करने से, ये वाला मशीन यूज़ करने से यहाँ पे हिट होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लेग कर्ल। लेट्स डू दिस। तो इसको कहते हैं पेंडुलम स्क्वाट, ठीक है। ये मेनली आपका इसके लिए है, इधर के लिए है, ठीक है ना,
जंग के लिए है, जंग। सो लेट्स स्टार्ट। वेट किस चीज़ की? लेट्स स्टार्ट। चलो अभी ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे फ्री नहीं है। और ये एक जिम पे ये प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, बहुत भीड़ होता है। केबल्स मिलना, मशीनरीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर करता हूँ डंबल से कर लेता हूँ। सो ऊपर का दिखाता हूँ मैं, ऊपर का कार्डियो सेक्शन ऐसा है ज़्यादातर। उधर लेडीज़ रूम भी है कॉर्नर पे, वहाँ पे लेडीज़ लोग का सेक्शन है अलग से, एंड ये ऊपर का कार्डियो सेक्शन है। सो यप, यहाँ पे थोड़ा सा चेस्ट मारूँगा लास्ट में थोड़ा। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. So आज के लिए मतलब जिम सेशन जो मेरा जिम का है आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगा तो मेरा फिर से तबीयत ख़राब होने का चांसेस है। पर होपफुली आपको यहाँ तक तो मज़ा आया। इसके बाद और एक चीज़ है जो मैं दिखाने वाला हूँ, स्टे ट्यून, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी वहाँ जाएंगे हम लोग, सो गिव मी अ मिनट। अभी दिखाना है सोना, कितना सोना है, सोने जैसा। यह है सोना, जो बंद कर देता हूँ। या यही दिखाना चाहता था मैं इसके पहले। ये बेस्ट है यहाँ का, इस जिम का यही सबसे बड़ा बेस्ट चीज़ है। इसी का मज़ा लास्ट में ले सकते हैं जो सबसे अच्छा लगता है। या आई थिंक यहाँ तक ही वीडियो एंड होगा, बिकॉज इसके बाद और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। इसके बाद मैं नहाऊंगा एंड दैट शुड बी द एंड। बट आई होप सबको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग एंड जिम ब्लॉग। ये पहला ब्लॉग है, सो कुछ भी गलती होता है माफ़ कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके बाद कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगा मैं। दूसरा जिम पे भी सोचा हूँ कि जाऊंगा, जाके वो सारे जिम भी दिखाऊंगा, अच्छा अच्छा जिम जो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। ये लोकली है, ये बहुत लोकल जिम है बोलने से तो, बट इससे अच्छा भी अच्छा जो जिम यहाँ पे है यूके पे, जो मैं बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल, बाय।